गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू साइंस चैप्टर वन। चैप्टर वन का पार्ट वन और पार्ट टू हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर वन का पार्ट थ्री। पार्ट थ्री स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या सीखेंगे हम, टेक टू पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स फॉर 72 hours एंड द अदर इन सनलाइट। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। तो देखिए स्टूडेंट, एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिएगा। एक को अंधकार में या काले बॉक्स में रखेगा 72 आवर के लिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, तो आप उनमें अंतर पाएंगे। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार के जैसे कि आपने लास्ट क्लास 6 में भी किया था। आप अवलोकन करेंगे इसमें कि अब उस गमले को जिस आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और पुनः इसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखते रहेगा। आप देखेंगे क्या, आप चाहेंगे देखेंगे कि जिस गमले को आपने सूर्य के प्रकाश में रखा वो पौधा आपका ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन भी करते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। You often see slimy green patches of ponds and the stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of the organism of algae. Can you guess why algae are green in color? क्या आपने कभी देखा है गीली दीवारों पर, तालाब पर, ठहरे हुए जलाशय में हरे एल्गी कहते हैं अवपंकी, यानी कि जम जाते हैं जो काई जैसे होते हैं। अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं एल्गी। एल्गी क्या है हमारे, शैवाल। एल्गी होते हैं हमारे शैवाल, ये शैवाल होते हैं हमारे। इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं कि जो सिंथेसिस ऑफ प्लांट है हमारे, यानी कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का भी संश्लेषण हम इसमें करेंगे। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, nitrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen form. Where do the plants obtain nitrogen? तो आपने देखा होगा कि वायु में जो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी जीवकों में परिवर्तित कर सकते हैं। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुर मात्रा में अच्छे से होती है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा अदर 1.3 पर, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, यानी कि पादपों में पोषण की और जो विद्या होती है अन्य, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive nutrient? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the hydrophobic modes of nutrition. Look at figure, जैसे कि आप देख रहे हैं 1.5 में अभी देखेंगे आप। तो देखिए कुछ पादप पौधे ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल के में नहीं पाया जाता है, आपने अपना बहुत जल्द संश्लेषित नहीं कर सकते हैं, वे जीवित कैसे रह सकते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा ही निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं
हाइट्रोफिक मोड यानी कि विषम पोषण प्रणाली, विषम पोषण प्रणाली में का उपयोग किया जाता है। द प्लांट ऑन विच इज इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब जिनमें क्या होता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं या जिस पर ये आरोहित होने वाले होते हैं वे पादप हमारे परपोषी कहलाते हैं। 1.5 में आप देखेंगे ये कैस्कटा अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट, तो परपोषी पादप पर अमरबेल। तो कैस्कटा इज द कोल्ड इज कॉल्ड द पैरासाइट आरवी and other animal also like the parasites, you should think about it and discuss with your teacher। तो देखिए आप इसके बारे में कई बार अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि पादपों पर परजीवी क्यों होते हैं, ये क्या हम अन्य जंतु भी पादपों पर परजीवी होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। Have you seen or heard a plant that eat animal? क्या आपने कभी ऐसे पादपों को उनके देखे हुए सुना है कि जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? There are few plants which can trap insect and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or the some plants some other color. Look at the plant in figure 1.6 में। तो जो कीटों को पकड़ते हैं उन्हें पचा जाते हैं, क्या ये विषमकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, जैसा कि आप चित्र 1.6 में देख रहे हैं। तो जब नीचे क्यों क्या होता है इसमें कि जो इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली जो संरचना है, जो घड़े के समान दिखाई देने वाली जो संरचना होती है वास्तव में उसके पत्ते का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बन जाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के इन बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त यहाँ पर हम करेंगे। 1.4 पर हमारा आता है क्या, इंसेक्टिवायरस हमारे होते हैं कीट भक्षी पादप। नेक्स्ट 1.1 पर अपना हमारा सेप्रोट्रॉप्स। तो यू माइट हैव सीन पिक द मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने कई बार वेजिटेबल सेलर के पास में मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। तो मशरूम में क्या होता है, यू मे हैव ऑल्सो सीन फुली अम्ब्रेला लाइक, वो किसकी जैसे दिखते हैं, अम्ब्रेला जिसे दिखते हैं हमने, आपने कई बार देखा होगा इस चीज को। देखा होगा कि एक आप इसके लिए कर सकते हैं बैट कटपड़ा लेकर इसे जल में भिगो दें और इसे किसी नमे उच्च स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख के छोड़ देगा, तो उसमें क्या होगा, आप उसके बाद में उसे रोए जैसी संरचना से दिखाई देने लगेगी और वो क्या होती है, फुफोई जीव बन जाती है। तो ये जीव हमारे कवक या फंजाई कहलाता है, जिसे हम घर में फफूंदी का नाम भी देते हैं कई बार। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 1.2 में जानेंगे आगे कहाँ। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड द मोशन इट विद द वाटर, लीव इट इन द मोस्ट वार्म प्लेस 2-3 डेज के लिए, सके अभी आपको बताया हमने। ऑब्जर्व द पैच अंडर द राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, यू विल तो राइट डाउन यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पाइप ऑफ ब्रेड, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अ न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इस कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा
जो ये विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार का पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे हमारे मृत जीवी कहलाते हैं। A fungi also grown on the pickle, leather, cloths and other articles. तो जो हमारी फंगी होती है वो किसी भी चीज पर लग सकती है, जो भी हमारे ऐसे लेदर से बनी हुई चीजें हैं या चमड़े से या कपड़े अचार किसी भी चीज पर वो लग सकती है कभी भी। अब पहली इज कीन टू नो वेदर आर ब्यूटिफुल शोन्स विच शी वोर अ स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड ऑफ फंगी। हाँ ये बिल्कुल सही होता है, स्पॉइल्ड होता है हमारा जो बासी हो चुका है। तो कई बार पहली को याद है कि उसने सुंदर जूते जिन्हें वे विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वे जानना चाहती थी कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस चैप्टर में आपके इस वीडियो में आज के चैप्टर को ये स्टॉप करते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अच्छे से आपको वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।